हेलो गाइस, और आज न्यू टॉपिक पर वीडियो के साथ चलेंगे, जो कि हमारे पास एक टीवी डिड पॉल्यूशन आया हुआ था। सभी टेक्नीशियन को बताया था कि कैसे सही करें, हम उस टॉपिक पर तो नहीं हैं। आज हम दूसरे टॉपिक पर चलेंगे, जो कि एम्पलीफायर एंड टू बूफर आया हुआ है, उसको कैसे रिप्लेंग करें और रिप्लेंग करना चाहिए इसी के थ्रू। हेलो गाइस, हमने कल भी आपको बताया था कि हम कैसे इसको रिपेयर करें, कैसे करना चाहिए उसकी 4.5 से 2 जगह एक चलेगा, जो कि हम सभी टेक्नीशियन टू एंड टू गर्ल्स बॉयज स्टूडेंटों को इसके थ्योरी के बारे में बताएंगे कि जब आपके पास कोई ऐसा फॉल्ट या सॉल्व समस्या आए तो इसके लिए कैसा सॉल्व करना चाहिए। जिस समस्या के लिए हम इसके बारे में आपको स्टेप एक पर चलेंगे, जो कि एक जैसे कि देख रहे हैं सभी कंपोनेंट रखे हुए हैं, सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि यूज किए जाते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक में किए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल में सिर्फ वायर ही यूज किया जाता है, जो पंखा टू एम्पलीफायर में किया जाता है। हम सभी को बताएंगे इसमें भाई क्या समस्या, बूफर के बारे में बताइए आप, इसमें क्या समस्या है। इसके बूफर बंद हो जाते जल्दी जल्दी अपने हाथों। हाँ, इसकी वो मैं ना खराब है कि इसकी खराब हो चुका है। ठीक, नया डालेंगे ओके हो जाएगा। ठीक, जैसे कि आज देख रहे हैं आज एक स्टूडेंट ने बता दिया इसकी मैंने IC2 एंड स्पीकर खराब, स्पीकर को डालेंगे तभी बूफर चालू होगा। हम इस स्पीकर को तो अभी चालू एंड टू चलाकर तो नहीं दिखा सकते, लेकिन इसकी समस्या आपको बता सकते हैं। अगर आपके पास कोई चाइना ब्रांड हो, चाहे कोई ब्रांडेड हो, इस बूफर में अगर इस तरीके का आपको कोई बूफर मिले 3 या 4 स्पीकर का, तो इसके लिए हमको सबसे पहले मशक्कत तौर पर यह समझना चाहिए कि अगर स्पीकर की चलते चलते आवाज़ ऑन ऑफ टू स्टॉप होती है तो इस समस्या के लिए न्यू स्पीकर डालें, नहीं तो इसकी IC चेंज करें। तो IC चेंज करने पर एम्पलीफायर M2 बूफर पूरी तरीके से चालू हो जाएगा और आप अपनी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड टू सब्सक्राइब कीजिए, और जो पूछना चाह रहे हो तो हमारे नरेंद्र टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर कमेंट कीजिए, हम इसी वीडियो को यहाँ पर ड्रॉप करते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू वेरी मच।